दोस्तों साउथ इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी दर्शकों से खूब सुर्खियां बटोरने वाले टैलेंटेड एक्टर अल्लू अर्जुन फिल्म इंडस्ट्री के स्टाइलिश स्टार कहे जाते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी और एक्शन स्टंट पर लाखों करोड़ों लोग दीवाने हैं। इसलिए तो ये हमेशा दर्शकों का मनोरंजन करने में सबसे आगे रहते हैं और दर्शकों की इसी ख्वाहिश को पूरा करते हुए ये हाल ही में आई फिल्म अला वैकुंठा पुलारुमो, जिसे AA19 भी कहते हैं, में अभिनय करते हुए नजर आए थे और इस फिल्म में इनके एक्शन सीन्स के साथ साथ रोमांटिक अंदाज को भी बेहद ज्यादा पसंद किया गया था। हालांकि एक तेलुगु और मलयालम भाषा की फिल्म है, लेकिन अब फिल्म की सक्सेस को देखते हुए इस फिल्म को हिंदी में डब करने की बात कही जा रही है। जी हां, खबरों के मुताबिक हमें जल्द ही फिल्म AA19 हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको फिल्म अला वैकुंठा पुरामुलु के बारे में बताने वाले हैं कि कब तक की जाएगी इस फिल्म की हिंदी डबिंग और हमें ये फिल्म कब तक देखने को मिलेगी। तो अगर आप भी इस फिल्म से जुड़ी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के स्टाइलिश स्टार के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साउथ इंडस्ट्री में 12 जनवरी 2020 को बड़े पर्दे पर प्रसारित की गई फिल्म अला वैकुंठा पुरामुलु एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जो त्रिविक्रम श्रीनिवास के डायरेक्शन में बनी थी। ये फिल्म बेंटू बने अल्लू अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, जो वाल्मीकि बने मुरली शर्मा के साथ उनके बेटे के तौर पर रहता है। हालांकि बेंटू इस बात से पूरी तरह अनजान होता है कि वाल्मीकि उनके अपने पिता नहीं है, लेकिन जब एक हिंसक घटना के दौरान बेंटू को इस बात की सच्चाई पता चलती है तो वह अपने सगे माता पिता से मिलने वैकुंठा पुलामुरो जाता है। अपने माता पिता को धमकी देने वाले गुंडे से उनका बदला लेता है। बस यही थी फिल्म की कहानी, जिसने लाखों करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था। साथ ही फिल्म में अभिनेता अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े की लव केमिस्ट्री को भी बेहद ज्यादा पसंद किया गया था और फिल्म की अदर स्टार कास्ट ने भी फिल्म में अपनी दमदार अदाकारी से खूब सुर्खियां बटोरी थी, चाहे फिर बात अभिनेत्री तब्बू की हो या मुरली शर्मा की। इन सभी ने फिल्म को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिकाएं निभाई थी, इसलिए तो 100 करोड़ रुपए की बजट में बनने वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 275 करोड़ का बड़ा कारोबार किया। हालांकि ये फिल्म दो भाषाओं में डब की गई थी, जिनमें तेलुगु और मलयालम भाषाएं शामिल हैं, और सिर्फ इन दो भाषाओं के जरिए ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। तो जरा अब आप ये सोचिए कि अगर इस फिल्म को हिंदी भाषा में डब किया जाए तो ये फिल्म कमाई के मामले में किस ऊंचाई पर होगी। जी हाँ, फिल्म की इसी खासियत को देखते हुए फिल्म डायरेक्टर इस फिल्म को हिंदी भाषा में डब करने का प्लान बना रहे हैं और काफी हद तक ये बात कंफर्म भी हो चुकी है और हमें जल्द ही फिल्म अला वैकुंठा पुलारुमुलु का हिंदी वर्जन पार्ट देखने को मिलने वाला है। और फिल्म की सफलता को देखते हुए ये तो जाहिर सी बात है कि हिंदी भाषा में डब होने के बाद शायद ये फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दे। तो दोस्तों, क्या आप भी फिल्म अला वैकुंठा पुरामुलु के हिंदी वर्जन पार्ट का इंतजार कर रहे हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।